तो एक डेफिनेशन तो ये आ गई, दूसरी डेफिनेशन शेख अली असलाम की तरफ से आ गई, 2+2 5 को हम सिनर्जी कहते हैं। चलें इसकी लॉजिक समझते हैं, सिनर्जी का कंसेप्ट है क्या। हाँ मोहम्मद रफीक साहब, इस्लामिक फाइनेंस कभी पढ़ी है आपने? चलिए माने आपके पास, मोहम्मद रफीक के पास कैपिटल है, ठीक है, पैसा है बहुत ज्यादा, आपने बैंक में 1 करोड़ रखा हुआ है, ठीक है। ओके सर। और दूसरा आदमी है हसन एहतिशाम, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास आइडिया है, स्किल है बिजनेस करने का, तो क्या इसके पास जब पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, तो कुछ कर पाएगा? नहीं सर। आपके पास सिर्फ पैसा है, स्किल नहीं है, तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं सर। तो जब दोनों मिलेंगे तो कुछ क्रिएटिव काम होगा। यस सर बिल्कुल। एक एग्जांपल को यहीं पे रखते हैं, आगे चलते हैं। आपका प्रॉफिट 2 रुपीज है, ठीक है, एहतिशाम का प्रॉफिट भी 2 रुपीज है, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? सर 4। नहीं, ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। अगर 4 आ गया तो सिनर्जी नहीं है, अगर 4.1 आ गया, 4.2 आ गया तो सिनर्जी है। तो सिनर्जी का कंसेप्ट हम ये रटा नहीं मार सकते, जैसे कि बुक के अंदर ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी होती है कि 2+2 5। सिनर्जी का कंसेप्ट है 2+2 ग्रेटर देन 4। वो 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक स्किल आपके पास है, एक स्किल मेरे पास है, अगर हम दोनों स्किल को मिला लें तो हम दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट 10,000 है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट 10,000 है, और अगर दोनों मिल जाए और प्रॉफिट 20,000 होता है, तो ये सिनर्जी नहीं हुई। अगर हम दोनों अपनी टेक्नोलॉजी को मिला लें, हम दोनों कंपनी मिल जाए, तो दोनों मिलके 22-24,000 पे पहुंचे, तो ये सिनर्जी हुआ। ये बात समझ में आती है? यस सर। आपने सुनूंगा 1 को 11, समझ रहे हैं? तो 1+1 ग्रेटर देन 2 सिनर्जी होगा, 1+1 5 हो जाए तब भी सिनर्जी है, 7 हो जाए तब भी सिनर्जी है, 9 हो जाए तब भी सिनर्जी है, 22 हो जाए तब भी सिनर्जी है। ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। यहां तक क्लियर हो तो बताएं, ताकि फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करता जाऊं। अगर आप यूनिवर्सिटी के मिशन स्टेटमेंट पढ़ें, अगर यूनिवर्सिटी के आप देखें ना विजन स्टेटमेंट, तो जगह जगह सिनर्जी का वर्क दिखा होता है। क्यों? माने के एक आदमी, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, दूसरा आदमी है जिसकी रिसर्च बहुत अच्छी है, तीसरा आदमी है जिसकी स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, जब वो तीनों एक स्टाफ रूम में बैठेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे, तो रिसर्च पब्लिकेशन करेंगे, आर्टिकल बनाएंगे, सिनर्जी क्रिएट होगी। तीनों अलग अलग थे तो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, तीनों मिल गए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो सिनर्जी क्रिएट करने का कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। तो तीन डिफरेंट स्किल्स को मिला के कम से कम 2 तो होंगी ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिविजुअल काम करने से बेहतर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टीम वर्क जैसे आप कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन मैं आपको फिर से एक फर्क बता दूं, एक आदमी 10 मार्कर बना रहा है, दूसरा भी 10 मार्कर बना रहा है, दोनों मिलकर अगर 20 बनाएंगे तो ये सिनर्जी नहीं होगी। सिनर्जी के लिए मोर देन 20 होना चाहिए, 25-30, 35-40 होना चाहिए। यहां तक क्लिक हो गया? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है? तो अब एक काम करें, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ें जो ऊपर लिखवाई थी किसी ने, पढ़ें। Sir, it is the interaction or cooperation of two or more organizations, substances or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Clear हो गया? Yes, sir. बिल्कुल. Married है, single है आप? Sir, single. माने कि आपकी एंगेजमेंट होगी, जिस बंदी से आपकी एंगेजमेंट होगी वो भी कुछ नहीं कहती, आप भी कुछ नहीं कहते, दोनों की शादी होगी, दोनों ने मिलकर बहुत कुछ कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, कहते ना एक साथ ग्रो करना, तो फिर सिनर्जी क्रिएट होगी नहीं होगी? यस सर। अकेले आप काम करेंगे, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, अकेले वो काम कुछ तो करेंगे, खैर आप अकेले वो भी कुछ करेंगे, पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी दोनों के सेपरेट काम करने से। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। अच्छा क्लास, कोई क्वेश्चन है पूछें? अब जैसे क्वेश्चन ये है कि रिसर्च में सिनर्जी के क्या काम है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, रिसर्च पब्लिकेशन करने के लिए अक्सर आपको को-ऑथर की जरूरत पड़ रही होती है, आपने अक्सर नोट किया होगा एक आर्टिकल में 2-2 3-3 ऑथर्स का नाम लिखा होता है, नोट किया आपने? यस सर बिल्कुल। वो 2-2 3-3 ऑथर्स का नाम क्यों होता है? उसकी वजह ये, वो दोनों मिलके, तीनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं। आप जब भी कोई नशीन, तो इसमें देखें को-ऑथर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आता है, कोई नया फॉर्मूला, कोई न्यू थ्योरी, उसकी वजह क्या है? वो दोनों मिले होते हैं तभी सिनर्जी क्रिएट हो रही होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको?
यस सर। तो चलिए आप आगे सिनर्जी के कंसेप्ट को किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, मतलब एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं जिसमें नॉर्मल एंगल से नहीं देखा जाता। माने जैसे इंसान का आपको पता है, अगर इंसान के दिमाग का सिस्टम देखे ना, तो इंसान के दिमाग में एक सिनर्जी क्रिएट होती है, जिसके दिमाग में जितना ज्यादा ये सिनर्जी का प्रोसेस है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी आप कोई नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उस नई इंफॉर्मेशन से आप क्या करते हैं, वो नई इंफॉर्मेशन आपके माइंड में प्रोसेस होती है, वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन बनाती है। ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। आप नोट करें, एक इंटेलिजेंट और डफ इंसान में फर्क क्या होता है, नॉलेज का फायदा क्या होता है, कि एक इंटेलिजेंट आदमी जब एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है ना, तो वो सिनर्जी के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जनरेट करता है, जो एक नलायक आदमी नहीं कर पाता। आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, यस सर। चलिए माने कि एक है इंसान, ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, दूसरा है कंप्यूटर, दिख रहा है आपको। यस सर। अब मैंने इंसान को एक चीज बताई कि ये पानी है, ठीक है, और फिर इंसान को बताया कि ये रूह अफ़ज़ा है, ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन हो गई, दो, सर दोनों की आ गई इन्फॉर्मेशन। तीन इंफॉर्मेशन दी, और उसको बताया ये मिल्क है। कंप्यूटर को भी मैंने तीन इंफॉर्मेशन दी कि ये पानी है, ये रूह अफ़ज़ा है, ये दूध है, तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। यस सर। अब चौथी इंफॉर्मेशन मैंने दी इंसान को, एड वाटर इन रू ऑफ द, चौथी इंफॉर्मेशन क्या दी है एड वाटर इन रू आप। इसको, मैंने चौथी इंफॉर्मेशन दी कि अगर आपने रू ऑफ द की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो इसके अंदर पानी डाल दे, डन। ये जी सर। इंफॉर्मेशन मैंने कंप्यूटर को दे दी, तो दोनों के पास चार चार इंफॉर्मेशन है। यस सर। अब मैंने इंसान से पूछा, बताओ ये क्या है, उसने कहा पानी, ये क्या है, रू ऑफ द, ये क्या है, मिल्क। अब मैंने इंसान से चौथी चीज पूछी, रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, तो वो बता देगा पानी डालने से, लेकिन यस सर। यही चार चीजें मैं कंप्यूटर से पूछूं, वो भी बता देगा, राइट। यस सर। लेकिन इंसान से मैं पूछूं कि दूध की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, क्या ख्याल है, क्या कहेगा, वो भी ये कहेगा कि सर पानी पानी डालो। डालोगे तो बढ़ अब जाएगी। ये इंफॉर्मेशन तो मैंने उसे दी ही नहीं, कहां से ले आया वो, बेसिकली सर उसके उसके दिमाग दिमाग। में एक प्रोसेस शुरू हो गया, वो यहां पे रुकेगा थोड़ी ना, ये बात समझ रही है। मैं कहता हूं मेरे यस पास सर। चाय कम हो गई है, सालन बनाया है, शोरबा कम पड़ गया, क्या कहेगा, सर वाटर ऐड कर लो। पानी डालो। अब बंदा पूछे यस कि सर। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने दी ही नहीं है, तो ला कहां से रहा वो सारी इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है सर वो वो, उसी बात से सर उसी उसी बात प्रीवियस से बात से न्यू ला न्यू रहा न्यू न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट कर, कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है। आजकल के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो कंसेप्ट मैं है। वो यस क्लियर करना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। यस सर इस बिल्कुल तरह समझ आ इंसान रहा के है। दिमाग में जब कोई इंफॉर्मेशन आती है मैथ की, तो वो सिर्फ मैथ तक नहीं रहती, वो उसको मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करता है, इकोनॉमिक्स में करता है, फाइनेंस में करता है, हर चीज में कर रहा होता है। ये बात समझ में आ गई, वो वहां तक लिमिटेड यस थोड़ी ना सर। रखता है। अब डिपेंड करता है उसका एक्सपोजर कितना है, उसकी नॉलेज कितनी है, कितने सब्जेक्ट उसको आते हैं, एक चीज को दूसरी चीज में कैसे इनकॉर्पोरेट करवाता है। यहां तक क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। आप कुरान की आयत की एग्जाम्पल ले लें, जब भी हम कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं, तो वहां तक थोड़ी ना रुकते हैं। अभी जो फिकही लोग होते हैं, क्या करते हैं, उस कुरान की आयत को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बाकी हदीसों के साथ रिलेट करके नए नए मिसाइल निकालते हैं। ये जो फिक होता है, उनका कुछ काम ही है एक बात से तीन चार पांच छह आठ 10 चीजें निकालना। ये बात समझ में आ रही है, यस सर। सिनर्जी और प्रोसेस चल जाता है ना। हमने लास्ट टाइम सिस्टमेटिक प्रोसेस पढ़ा था, याद है आपको। यस सर। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊं कि किस तरह फिर दिमाग आपको चलता है, सिस्टमेटिक में प्रोसेस में ऑर्डर चेंज हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सर सकता। रिपीट कर। हमने नहीं कहा सर। था सिस्टमेटिक प्रोसेस में ऑर्डर चेंज नहीं होता, याद है आपको। यस सर। एक तरह अरबी में एक वर्ड है सुम्मा, सुम्मा का मतलब तो फिर, ठीक है, और एक आता है यस सर। वाह, वाह का मतलब तो और, वाह जब होता है ना, यस सर। तो वाह का मतलब और होता है, सुम्मा का मतलब क्या, तो फिर होता है, डन। यस सर। तो जब वुजू की आयत आती है, तो वुजू में जब कहा जाता है कि चेहरे को दो, हाथ को दो, तो बीच में वाह का वर्ड है। अगर सुम्मा होता फिर होता, तो इसका मतलब पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ऑर्डर फिक्स हो गया। यस सर। लेकिन जब वाह का वर्ड आएगा और, तो मतलब ये सारे काम करने हैं, पर ऑर्डर मैंडेटरी नहीं किया। ऑर्डर फॉलो करना सुन्नत है, लेकिन क्या मैंडेटरी है, फर्ज है, तो फिर फिक वालों के क्या काम है, उनके दिमाग में सिनर्जी शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। वो एक चीज से यस तीन सर। चार पांच छह सात आठ चीजें निकालते हैं। जब आप पते वल असर इन इंसान अल आखिर को से पढ़े है ना आपने, तो
तो बीच में वाह वाह का वर्ड आता है, तो इस बेस पे डिसाइड करते हो कि फाइन जब यहाँ पे वाह आया था तो ऑर्डर नहीं था, तो मतलब वहां पे भी वाह आएगा तो ऑर्डर नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो कहानी एक जगह रुकती नहीं है, वो भी सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन, वो कंटिन्यू बेसिस पे इंफॉर्मेशन जनरेट करना शुरू कर देता है। यहां तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर बिल्कुल। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछे? नो सर। ये आपसे ऐसे क्यों कहा जाता है? मिसाल के तौर पर माने डॉक्टर का प्रोफेशन है, एक इंजीनियर का प्रोफेशन है, एक टीचर का प्रोफेशन है, एक मीडिया इंडस्ट्री में चार प्रोफेशन है। अब डॉक्टर के प्रोफेशन में एक डॉक्टर दीन सीखे, अपने डॉक्टर्स को दीन सिखाने जाए तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, या एक ऐसा मौलवी दीन सिखाने जाए जिसको दीन की नॉलेज तो है पर डॉक्टर की नॉलेज नहीं है, ज्यादा अच्छा कौन सिखा पाएगा? सर मौलवी। जी नहीं, ज्यादा अच्छा वो डॉक्टर सिखा पाएगा जिसको डॉक्टर की नॉलेज भी है, दीन की नॉलेज भी है। वजह क्या है? जिसको डॉक्टर की नॉलेज नहीं है उसको मेडिकल की नॉलेज है, तो कहे देखो मेडिकल में ये बात आती है, हदीस में ऐसे आई, मेडिकल में ये बात आती है, ये बात कुरान में ऐसे आई, तो जितनी अच्छी तबलीग वो कर सकेगा दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकेगा। ये बात समझ में आती है? तो इंजीनियर में जितनी अच्छी तबलीग इंजीनियर कर पाएगा कोई और तो ना कर पाएगा, क्योंकि अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा काम रिसर्च कर, तो मैं तो जब कुरान देखता हूँ मुझे तो बहुत सारे मॉडल दिखते हैं। आपकी क्लास में एक हाफिज भी है, अब सूरत बकरा स्टार्ट करें तो उसमें जो ईमान लाए, गैप पे ईमान लाए, किताबों पे ईमान लाए, रसूलों पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, उन्हीं लोगों ने फला पाई, ठीक है? तो मुझे तो इसके अंदर पांच इंडिपेंडेंट बाइबल दिख गया, एक डिपेंडेंट बाइबल दिख गया, तो मुझे तो हर जगह मॉडल दिखना शुरू हो जाता है। क्या ये तो पूरा रिसर्च मॉडल बना हुआ है? पांच इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, ये तो अल्लाह ने नल हाइपोथेसिस बना दिया। यहाँ पर वहां पे मुझे सैंपलिंग का कंसेप्ट भी दिखता है, पॉपुलेशन का कंसेप्ट भी दिखता है, ऑपरेशनलाइजेशन का कंसेप्ट भी दिखता है, सारे कंसेप्ट दिख रहे हैं। अब वो मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी नॉलेज है, अब जिसको नॉलेज नहीं है उसको तो नहीं दिखेगा कुछ। ये बात समझ रही है? तो अगर मैं रिसर्चर की दुनिया में जाऊं, मैं उनको समझाने बैठूं, तो मैं तमाम चीजें रिसर्च की एग्जाम्पल से समझा दूंगा, समझ रही है? तो मैं उनसे कहूंगा गरीबी का कंसेप्ट पता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस का कंसेप्ट पता है, लिटरेचर रिव्यू का कंसेप्ट पता है, साइटेशन कोटेशन का कंसेप्ट पता है, तो उसी से रिलेट कर दूंगा सारी चीजें। ये बात समझ गए? इसलिए फिर लोग कहते हैं कि चीज को प्रोफेशन मत बनाए। आप मौलवी ठेकेदार नहीं है, हर बंदा सीखे, हर बंदा अपने घर वालों को सिखाए, हर बंदा अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि मौलवी साहब को बुलाओ निकाह पढ़ाना है, हर बेटा अपने अब्बा का जनाजा खुद पढ़ाए, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि मौलवी साहब को पढ़ाओ जनाजा पढ़ाना है। बात समझ रहे हैं? हर बंदे को आना चाहिए, अपने अब्बा की नेचर वो ज्यादा अच्छे से जानता है, अपने घर वालों की नेचर वो ज्यादा अच्छे से जानता है, जितना अच्छा वो काम कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में एनर्जी क्रिएट होगी दूसरे के दिमाग में नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? तो आपने नोट किया होगा जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मनोज बुखारी वगैरह हैं, उन्होंने अपनी खिदमत कैसे कर ली? डॉक्टर मनोज बुखारी को जानते हैं ना, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी इसके ऊपर कुरान एंड साइंस के नाम से। जानते हो मुस्लिम कैसे हो गए थे? बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया तो फिरौन की लाश के पोस्टमार्टम में उनको समुंदर का नमक मिला, तो उन्होंने अपने लिटरेचर में पढ़ा था कि फिरौन अपनी तिब्बी मौत मरा है। जब उनको बताया गया कुरान में है कि फिरौन पानी में डूब के मरा है, तो वो कहते हैं मुझे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बात पता चली थी कि समुद्र के पानी का नमक मिला है, तो उसने फिर रिसर्च शुरू की और उसने एक बहुत बड़ी किताब लिख दी कुरान और साइंस के नाम से। तो ये किताब एक नॉर्मल मौलवी को नहीं लिख पाया, क्योंकि उसके दिमाग में उस नजीक क्रिएट नहीं हो सकती, इसके लिए साइंस की नॉलेज होना भी जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी ना, तो एक आदमी जिसकी उर्दू बहुत अच्छी है, चलो उर्दू अरबी में तो फिर बहुत ज्यादा मैच है, एक आदमी जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जब वो अरबी ग्रामर पढ़ाने बैठेगा ना, तो उसका लेवल ही कुछ और होगा, वो किसी और तरीके से पढ़ाएगा, वो कहेगा जैसे आपके यहाँ ये कलेक्टिव नाउन होता है ना, ऐसे अरबी में ये होता है, जैसे आपके यहाँ प्रोपोजिशन होते है ना, इसे अरबी में हर्फ होता है, जैसे आपके यहाँ ये होता है हमारे, समझ रहे हैं? उसकी एग्जाम्पल, उसका लेवल सब कुछ बहुत डिफरेंट होगा, तो जितना अच्छा वो कर पाएगा दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? तो एक सिनर्जी का प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा होता है, जो जितना काबिल होता है उतना ज्यादा उसका सिनर्जी का प्रोसेस स्ट्रांग होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बहुत सारी केस स्टडी मैनेजमेंट में ये है। अब सोनी अलग कंपनी थी, एरिक्सन अलग कंपनी, दोनों मिलकर काम करना शुरू हो गए, पता होगा आपको। अब ये जो आपका क्या नाम है इसका, टेस्ला वाले का नाम क्या है, नाम भूल गया, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क नासा के साथ काम कर रहा है।
ठीक है। और सर पार्क कुछ पार्क को टोटल के साथ मिलकर कर रहा है, तो अभी हाँ सर उसका तो भी सर साइनेंस प्रोसेस यही होता है ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास कोई मैन पावर है, बात समझ रहे हैं? आपके पास पैसा है, मेरे पास यस सर। चीप लेबर है, तो दोनों मिलेंगे तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी ना। एग्जैक्टली सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया डिटेल में? कोई यस सर बिल्कुल। क्वेश्चन है पूछे जी, क्वेश्चन पूछे दोबारा। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर दो चीज़ों का या दो सिस्टम्स का मर्जर हो रहा है या दो मिल रही हैं तो वो साइनर्जी ही क्रिएट करें, इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है, मतलब वो 100% डिस्ट्रक्शन भी कर नेगेटिव सकता होता है। है, जरूरी नहीं है सिनर्जी क्रिएट हो, अगर हो जाए तो हम उसको सिनर्जी कहेंगे। इसका उल्टा होता है, एचआर की बहुत सारी पॉलिसीज इसी बेस से बनी हुई है। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछने वाला कौन था, नाम क्या आपका? सर दावर अहमद। दावर अहमद साहब, माने आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी को मैंने मार्क्स दिया 10, अब आपकी वाइफ भी वहां पे आ गई जॉब करने के लिए, अब आपकी वाइफ अकेले काम कर रही थी, आप अकेले काम कर रहे, दोनों कुछ ना कुछ कर रहे थे, दोनों एक ही ऑफिस में आके दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर ये होता है, पॉलिसीज होती है कि ब्लड रिलेशन वाले एक साथ काम नहीं कर सकते, देखा कभी आपने पॉलिसी में? जी सर बिल्कुल हाँ, तो ऐसा अकेले होता है। अकेले कर भी सकते हैं, लेकिन दोनों होंगे तो दोनों ने कुछ नहीं करना। इस तरह अक्सर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिल रही होती है, अगर स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ ईगो सिस्टम ईगो वगैरह लोगों की इन्वॉल्व हो जाती है, तो अक्सर ये होता है कि दो चीजें मिलती है तो काम और, तो इसमें आप साफ साफ कहेंगे इसमें सिनर्जी क्रिएट नहीं हुई। सिनर्जी क्रिएट होने का मतलब ही ये होता है कि ज्यादा हो, बात समझ रहे हैं? यस सर।